कि जी हैप्पी राई कोटी का सॉन्ग सब तो पहला आया सी फोटो शूट जिद उन्हें गन्स के कल्चर में बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया तो वॉयलेंस को हाईलाइट किया तो रखिया ना असला गबरू ने फोटो शूट में रखिया ना फोटो शूट न गबरू ने असला उस तो बाद फिर नाल ही बैक टू बैक एक गाना मनकीरत औलख का राइज एंड शाइन जिहड़ा आया उहदे विच मनकीरत औलख ड्रग्स प्रमोट करता दिख रहा उहदे विच उह सूटा ला रहा पहला स्टार्टिंग च गाने प्लस वह भी गन कल्चर नूं बहुत ज़्यादा मोटीवेट कर रहा प्रोवोक कर रहा इत्थे हर बंदा यार बण वैर कट गया मैं छड्डिया जिन्हां नूं कहिंदे पैर छड्ड गया इन्हां दोनों सोंग्स दे विच तुसीं अज भी यूट्यूब चल रहे मैं हैरान हाँ बंद क्यों नहीं होया तक तो यूट्यूब तो चके जाने चाहिए सिद्धू मूसेवाल का गाना SYL आया से मिनट लगा सीगा बंद हो गया पर मैं पता नहीं पंजाब सरकार क्यों नहीं एक्शन लै रही है चीज़ से बयान कलम बंद करने तो बाद हैप्पी राय कोट ने मनकीरत औलख को भी शामिल करके पड़ताल किया जाऊगा जो भी कार्रवाई बनती है जी डी लीगल रह भेजी होगी एक अज पोस्ट पाई है सोशल मीडिया से जिद लिखा है कि मनकीरत औलख से हैप्पी राय कोटी खिलाफ बयान दर्ज करवाए की है पूरा मैटर ये जी हैप्पी राय कोटी का सोंग सब तो पहला आया सी फोटो शूट जिदे विच उन्हें गन्स के कल्चर नू बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया तो वॉयलेंस नू हाईलाइट किया कि रखिया ना असला गबरू ने फोटो शूट नू ये सोंग आया तो उदों मैं एक दरखास्त जलंधर पुलिस कमिश्नर नू दित्ती सी जिदा नंबर 1278 DCP मार्क होया सी साइबर सैल नू तो उस तो बाद दो नंबर थाने पहुँची पर उहदी अजे तक कार्रवाई कोई नहीं हुई सी उस तो बाद फिर नाल ही बैक टू बैक एक गाना मनकीरत औलख का राइज एंड शाइन जिहड़ा आया उहदे विच मनकीरत औलख ड्रग्स प्रमोट करता दिख रहा जिहदे विच उह सूटा ला रहा पहला स्टार्टिंग च गाने दे प्लस वह भी गन कल्चर नू बहुत ज़्यादा मोटीवेट कर रहा प्रोवोक कर रहा तो जिवें कि मानयोग हाई कोर्ट के हुक्म है वॉयलेंस तो सरकार जिवें कि बहुत ज़्यादा टेंजिबल है रिगार्डिंग गन कल्चर पिछे जी इलैक्शनां सीगियां मैनूं सीगा शायद पुलिस उत्थे बिजी है तां कोई कार्रवाई नहीं हो रही सी पर DGP साहब वालों 12 अप्रैल में मैं दरखास्त भेजी सी मनकीरत औलख के खिलाफ बड़ी तेजी नाल करदे होया उन्होंने दो नंबर थाने जलंधर भेजती जिहदे लई मैनू अज उत्थे बकायदा बुलाया गया सी ते मेरे बयान कलमबद्ध किए गए ने ते जिहदे विच मैं ये बयान दिता कि मानयोग CWP 6213 के अनुसार हाई कोर्ट के डायरैक्शन के अनुसार कोई भी गायक किसी तरीके की वॉयलेंस नू प्रवोक ग्लोरीफाई नहीं कर सकता प्लस गन कल्चर नू प्रमोट नहीं कर सकता सो इन दोनों सोंग्स के अज भी यूट्यूब चल रहे मैं हैरान हाँ बंद क्यों नहीं होया तक तो यूट्यूब तो चके जाने चाहिए सिद्धू मूसेवाल का गाना SYL आया से मिनट लगा सीगा बंद हो गया सी पर मैं पता नहीं पंजाब सरकार क्यों नहीं एक्शन लै रही है चीज़ से अज चलो मैं धन्यवाद करता DGP साहब का कि बड़ी तेजी नाल हुण मैनू इस उम्मीद है कि इस पासे कार्रवाई होण दी ते जिवें कि मैनू अज एक तसली बख्श कहा गया कि जल्दी ही असीं मनकीरत नूं जलंधर दो नंबर थाने बुलाने जा रहे हैं तो उहदे भी बयान ले जाणगे तो जे एज पर लीगल उन्हां ते परचा भी बनता होया तो आपां परचा करांगे मैं मेनली यही कहा जी कि जिवें कि एज पर डायरेक्शन ऑफ हाई कोर्ट ये जिहड़े सोंग्स ने इमप्रेजनेबल एज जिहड़ी हुंदी बच्चों की उन्हां ते बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं जिवें अज पंजाब नूं एक कीड़ा लग गया गैंगस्टर कल्चर का ये सोंग्स का बहुत वड्डा हत्थ है तो उस सोंग्स नूं साडी कोई जानी दुश्मनी किसी नाल भी नहीं हैगी बट फॉर द क्लीनिंगनैस ऑफ सोसाइटी आई वॉन्ट दैट कि इट शुड बी स्नब्ड इट शुड बी स्टॉप्ड इन द फ्यूचर कोई भी सिंगर चंगे गाने गावे सरताज भी गा रहा कंवर गरेवाल भी गा रहा होर कई सिंगर चंगे चंगे गाने गा रहे हैं सो मैं मनकीरत औलख तो हैप्पी राय कोटी तो भी उम्मीद कराँगा ये चंगे गाने गाएंगे नहीं तो एज पर लॉ दे आर अंडर द दे मस्ट बी गो बिहाइंड द वट एवर द थिंग्स एज पर लीगल आश्वासन मैं दस रहा जी यही कहा जी क्या अभी जल्दी तो जल्दी मनकीरत में बुलाया जाएगा तो दोनों बुलाया जाएगा दोनों बुला के ईवन दे आर फैचिंग द नंबर ऑफ दैम उन्होंने नंबर लै रहे हैं तो जल्दी ही उन्होंने बुला के दो नंबर थाने के हो मैं उम्मीद है कि उन्होंने परचा भी हो सकता मतलब उम्मीद है मैं इसलिए क्योंकि कन्फर्म तो परचा बनता ही है जी उन्होंने है ना जी तुम्हें पता बाकी थोड़ा कई बार सिस्टम इदा का बन जाता है ना जी कि तगड़े बंदे नूं कदे शेड ना मिलदे थोड़ी जी मैं देख रहा जे मैं उम्मीद करदा भगवंत मान सरकार गरीबां ते अमीरां लई सेम इंसाफ करेगी सो मैं उम्मीद करदा कि इन्हां ते वी FIR बंदी होवेगी क्योंकि किसी ने अगर सोशल मीडिया ते खडौणे वाली बंदूक भी पाई सी तो उते भी परचा हो गया सी इह तां असली बंदूकां लै लै पांडे एक बच्चे ते भी ईवन परचा कर दित्ता गया सी उहने खडौणे वाली बंदूक पाई सी सो मैं बेनती करांगा भगवंत मान सरकार नूं जिद्दां तुसीं क्लीन
ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਫੋਰ ਦੀ ਕਲੀਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੇਅਰ, ਨੋਟ ਲਾਈਕ ਬਾਦਲਸ ਐਂਡ ਨੋਟ ਲਾਈਕ ਕੈਪਟਨਸ, ਨੋਟ ਲਾਈਕ ਚੰਨੀ ਆਲਸੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਕਈ ਆਪਣੀ ਕਲੀਨ ਪਿਕਚਰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਅਤੇ ਹੈਪੀ ਰਾਏ ਕੋਟੀ 'ਤੇ ਵੀ, ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਜਿਵੇਂ ਗਰੀਬਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਏ। ਸਰ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਅਤੇ ਹੈਪੀ ਰਾਏ ਕੋਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਹੈਪੀ ਰਾਏ ਕੋਟੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਤੁਪਤੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੀ ਡੀ ਲੀਗਲ ਨੂੰ ਰਹਿ ਭੇਜੀ ਜਾਊਗੀ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ, ਫੋਨ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸੱਦਾਂਗੇ। ਭੇਜਾਂਗੇ ਡੀ ਲੀਗ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਜੋ ਜੁਰਮ ਬਣਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ।